हाय गाइस, बात में बोल देख रहे हैं आप, प्रशांत हूं मैं आपके साथ में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि सुरेश रैना जो है भारतीय टीम के पूर्व मध्यक्रम बल्लेबाज और मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर, उनके फादर का निधन हो गया है। त्रिलोक चंद रैना जो हैं, उनको कैंसर था और वो गाजियाबाद के राजनगर में रहते थे और आज के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। काफ़ी करीब थे सुरेश रैना अपने फादर से। अगर मैं बात करूँ तो सुरेश रैना के जो फादर थे वो आर्मी में थे और बम बनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। जिस तरह से उन्होंने आर्मी में सेवा दी और जो जज्बा था सुरेश रैना में वो भी था, अपने फादर से आया था भारत के लिए खेलने का। काफ़ी लंबे समय उन्होंने भारत के लिए खेला और सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम वो पिक्चर्स अपने मदर फादर के साथ शेयर करते रहते थे। 1990 में सुरेश रैना का जो परिवार था वो कश्मीर से गाज़ियाबाद आ गया था और उसके बाद में आपको मैं बता दूँ कि सुरेश रैना जो है वो जम्मू कश्मीर के रैनावारी के रहने वाले हैं, तभी उनके नाम के आगे सुरेश रैना लगा है और वो कश्मीरी पंडित हैं। इस बात का खुलासा वो अपने इंस्टाग्राम पे भी कई बार कर चुके हैं। लेकिन आज दो बड़ी दुखद घटनाएं सामने आई है। पहले लता मंगेशकर का निधन हुआ और आज सुरेश रैना के फादर का भी निधन हुआ। ये खुलासा जो किया वो भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच जारी मैच में हरभजन सिंह ने कमेंट्री के दौरान किया था। और आपको बता दें कि इस बार का जो IPL है वो शायद सुरेश रैना के लिए थोड़ा अलग हो सकता है कि वो चेन्नई टीम का हिस्सा नहीं है और उनको रिटेन नहीं किया गया है। तो देखना ये होगा कि सुरेश रैना कौन सी टीम से IPL खेलते हैं। लेकिन दुखद खबर है सुरेश रैना के लिए, उनके परिवार के लिए, और अभी तक सोशल मीडिया पे किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कोई सेलिब्रिटी कोई ना कोई पोस्ट करता है अपने से जुड़े चीज़ों को लेकर, अपने फैंस को जरूर जानकारी देता है। तो होप्स हो कि एक दो दिन में सुरेश रैना कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।